नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है हाल ही में विस्तारित हुई बाड़मेर मथुरा एक्सप्रेस की। दोस्तों, यह ट्रेन पहले बाड़मेर से जयपुर के बीच चलती थी, परंतु दोस्तों हाल ही में इस ट्रेन को जयपुर से मथुरा के बीच वाया अलवर के रास्ते विस्तारित किया गया है। यानी कि दोस्तों अब यह ट्रेन बाड़मेर से जोधपुर, जयपुर, अलवर होते हुए मथुरा तक चलती है। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो के अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ट्रेन नंबर 20489 बाड़मेर मथुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो सप्ताह में 5 दिन रविवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार तथा शनिवार को बाड़मेर रेलवे स्टेशन से मथुरा जंक्शन के बीच चलती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ उसके ट्रेवल टाइम की तो यह बाड़मेर से मथुरा के बीच 794 किलोमीटर की यात्रा लगभग 13 घंटे 55 मिनट में पूरा करती है। इसके बीच यह 27 स्टेशनों पर रुकती है। इसकी एवरेज स्पीड 57 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा इसकी मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ ट्रेन में लगने वाले कोच की तो इसमें ICF रेक श्रेणी के फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास तथा जनरल क्लास के कोच लगते हैं। दोस्तों, इस ट्रेन की टिकट हम हैंड टू हैंड रेलवे स्टेशन से भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस ट्रेन का टिकट किराया जानना है तो कृपया IRCTC की वेबसाइट पे जाकर एक बार अवश्य चेक कर ले। तो आइए दोस्तों इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में विस्तारित रूप से जान लेते हैं। तो दोस्तों, बाड़मेर मथुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो बाड़मेर रेलवे स्टेशन से रात को 10:20 पर रवाना होने के बाद इसका पहला स्टेशन उत्तरलाई 10:30 पे पहुंचती है। 2 मिनट के ठहराव के बाद 10:32 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है बायतू 11:02 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 11:04 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है बालोतरा 11:41 पे था 5 मिनट के ठहराव के बाद 11:46 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है सामदड़ी जंक्शन रात को 12:23 पे था 5 मिनट के ठहराव के बाद 12:28 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है लूनी जंक्शन 1:06 पे था 3 मिनट के ठहराव के बाद 1:09 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है जोधपुर जंक्शन रात को 1:35 पे था 10 मिनट के ठहराव के बाद 1:45 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है गोटन 2:52 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 2:54 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है मेड़ता रोड जंक्शन 3:09 पे था 5 मिनट के ठहराव के बाद 3:14 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है रेन 3:33 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 3:35 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है डेगाना जंक्शन 3:55 पे था 3 मिनट के ठहराव के बाद 3:58 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है मकराना जंक्शन 4:28 पे था 3 मिनट के ठहराव के बाद 4:31 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है कुचामन सिटी 4:44 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 4:46 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है फुलेरा जंक्शन 5:58 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 6 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है जयपुर जंक्शन 6:45 पे था 5 मिनट के ठहराव के बाद 6:50 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है गांधीनगर जयपुर 7:00 था 2 मिनट के ठहराव के बाद 7:02 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है गेटौर जगतपुरा 7:09 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 7:11 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है दौसा 7:46 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 7:48 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है बांदीकुई जंक्शन 8:10 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 8:12 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है राजगढ़ 8:32 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 8:34 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है अलवर जंक्शन 9:27 पे था 3 मिनट के ठहराव के बाद 9:30 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है रामगढ़ 9:57 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 9:59 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है गोविंदगढ़ 10:16 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 10:18 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है ब्रजनगर 10:31 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 10:33 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है बेडम 10:46 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 10:48 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है डीग 2:11 था 2 मिनट के ठहराव के बाद 11:02 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है गोवर्धन 11:17 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 11:19 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है बुतेश्वर 11:39 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 11:41 पे यहाँ से रवाना हो जाती है तथा इसके बाद पहुंचती है मथुरा जंक्शन 12:15 पे तथा यहाँ पर अपनी यात्रा को पूरा करती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी जानकारी। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।